नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। लॉकडाउन हटते ही बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार, इस विभाग में जल्द निकलेंगी 30,000 से अधिक भर्ती। बीटेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब शिक्षा विभाग ने जारी किया ये निर्देश। बिहार के आधे से अधिक जिलों में अब 0 से 10 के बीच नए मामले, अब 7 लाख से अधिक लोग हुए कोरोना संक्रमित, जानिए ताजा आंकड़ा। बिहार बोर्ड कब से शुरू करेगा इंटर में एडमिशन, जानिए आवेदन और नामांकन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। ब्लैक फंगस के बाद अब नए संक्रमण ने बढ़ाई बिहार की मुश्किलें, सिटी स्कैन में भी पकड़ पाना आसान नहीं। बिहार के इन जिलों में बाढ़ के दौरान चलंत थाना लगाएगी गश्त, आपदा विभाग ने शुरू की तैयारी। 2 दिनों में बिहार पहुंचेगा मॉनसून, पूरे प्रदेश में ठनका और भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी। लालू को लेकर गरमाएगी बिहार की राजनीति, बंगाल के बाद यूपी चुनाव पर राजद की नजर। कोरोना के कमजोर पड़ते ही एक्शन में आया नीतीश, पटना जंक्शन इलाके में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लिया जायजा। राज्य भर के डॉक्टर 4 घंटे बंद करेंगे ओपीडी सेवा, 18 जून को बाबा रामदेव के खिलाफ देशव्यापी विरोध। बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र की सेवाओं में गुणात्मक सुधार के लिए बड़े पैमाने पर चिकित्सकों से लेकर नर्सों समेत पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य में करीब 30,000 चिकित्सक व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति कर ली जाएगी। इसको लेकर नियुक्तियों की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, साथ ही नए पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को रिक्त पदों पर भरने से संबंधित अधियाचना भेजी गई है। इसमें कुछ पदों पर सितंबर तक नियुक्ति होने की उम्मीद की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि सभी पदों पर तेजी से नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर किया जा सके। मरीजों को हर सुविधाएं देने के लिए सरकार संकल्पित है। जिन पदों पर नियुक्ति की जानी है उनमें से निम्न पदों पर नियुक्ति की जानी है: सामान्य चिकित्सक के 2,632 पद, विशेषज्ञ चिकित्सक के 3,883 पद, मेडिकल कॉलेजों में 1,606 पद, आयुष चिकित्सक के 3,270 पद, नर्सिंग ट्यूटर के 662 पद और जीएनएम के 4,033 पद, इसके साथ ही लैब टेक्नीशियन के 1,144 पद शामिल हैं। बिहार राज्य में आयोजित प्रारंभिक शिक्षक पात्रता के प्रमाण पत्र की वैधता अब लाइफ टाइम होगी। शिक्षा विभाग की तरफ से शुक्रवार को एक आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि भविष्य में होने वाले बीटेट के फलस्वरूप दिए जाने वाले प्रमाण पत्र की वैधता भी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के नाम से जारी इस आदेश में कहा गया है कि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी इस आदेश के अनुसार कार्रवाई करेंगे। इस तरह एक बार बीटेट उत्तीर्ण होने पर संगत नियुक्ति नियमावली में निहित अन्य शर्तों के अधीन संबंधित अभ्यर्थी शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य की प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल तक निर्धारित थी। फिलहाल इस प्रमाण पत्र को बीटेट के लिए निर्गत प्रमाण पत्र की अवधि जैसे मई 2012 के प्रभाव से रीवैलिड करते हुए उसे रिमेन वैलिड फॉर लाइफ किया जाता है। को बता दें कि एनसीटीई की तरफ से टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता को लाइफ टाइम किया गया है। एनसीटीई ने ही राज्य सरकार को पत्र लिखकर राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता को लाइफ टाइम करने के लिए कहा था। इस आशय का आदेश सभी नियोजन इकाइयों को भी भेज दिया गया है। बिहार में कोरोना के मामले अब तेजी से सिमटते दिख रहे हैं। नए मरीजों की संख्या अब लगातार कम होती जा रही है। कोरोना के दूसरे संक्रमण की चपेट में आए बिहार की हालत कुछ दिनों पहले ही ऐसा भयावह थी कि कई जिलों में 100 से अधिक कोरोना के मामले रोजाना सामने आ रहे थे। अस्पतालों में बेड खाली दिखना मुश्किल था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अब सूबे ने राहत की सांस ली है। अधिकतर अस्पताल की हालत अब सामान्य हो चुकी है। वहीं 24 घंटे के अंदर अब राहत भरे आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश के आधे से अधिक जिले में अब ऐसे पाए गए हैं जहां कोरोना मरीजों की संख्या 10 या उससे कम हो चुकी है। बिहार में शुक्रवार को कोरोना से 551 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 63 नए संक्रमित राजधानी पटना में मिले हैं। यह सूबे में किसी जिले का सर्वाधिक आंकड़ा रहा है। वहीं राज्य की संक्रमण दर अब 0.51% हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 985 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में अब राहत भरे आंकड़े सामने आने लगे हैं। 20 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनमें 10 या उससे कम नए कोरोना मामले सामने आए हैं।
बिहार में इंटर दाखिले को लेकर अब बोर्ड की गतिविधि तेज होने लगी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब शांत होने के कगार पर है। प्रदेश में लागू लॉकडाउन को अभी फिलहाल सशर्त हटा दिया गया है। वहीं बिहार बोर्ड ने कला विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय में जिलेवार सीटें भी आवंटित कर दी है। अब अगले सप्ताह से छात्रों को आवेदन का मौका भी मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगले सप्ताह से इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बिहार बोर्ड ने 13 जून तक स्कूल कॉलेजों को आवंटित सीटों पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। इस प्रक्रिया को पूरा होते ही आवेदन मांगना शुरू कर दिया जाएगा। एक छात्र कम से कम 10 स्कूल कॉलेज में अप्लाई कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने 3 संकायों के लिए सभी जिले में सीटें आवंटित की है। कला और विज्ञान संकाय में सारण जिले के हिस्से में सबसे अधिक सीटें दी गई है। वहीं गया, समस्तीपुर, नालंदा, वैशाली और दरभंगा आदि जिलों में काफी सीटें दी गई है। ऑनलाइन आवेदन के बाद 3 नामांकन सूची आने की बात भी सामने आ रही है। वहीं आवेदन का मौका छात्रों को एक बार ही मिलेगा। कॉलेज में स्पोर्ट नामांकन लेने का भी मौका मिलेगा। बिहार में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस लोगों के लिए आफत बनकर सामने आई है। वहीं अभी स्वास्थ्य विभाग ने इस नए संक्रमण के लिए अपनी तैयारी शुरू ही की, तब तक दूसरे संक्रमण ने भी प्रदेश में दस्तक दे दी है। एस्परगिलोसिस फंगस एक नया संक्रमण अब सामने आ चुका है, जिसने बिहार में अब दस्तक दे दिया है। पटना के अस्पतालों में इसके कुछ मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के मामले पाए जा रहे हैं। वहीं एस्परगिलोसिस का ठीक इसी तरह मिलता जुलता संक्रमण ही है, लेकिन इसकी पहचान डॉक्टरों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीटी स्कैन में ही इसे आसानी से पकड़ पाना मुश्किल है। डॉक्टरों के लिए एक नई चुनौती बन चुका है, क्योंकि इन्हें इलाज के लिए पहले कंफर्म होना पड़ता है कि मरीज ब्लैक फंगस का है या फिर एस्परगिलोसिस का, उसके बाद ही वो इलाज की प्रक्रिया शुरू करते हैं। बिहार के संभावित बाढ़ प्रभावित जिलों में पुलिस की चलंत टीम रहेगी। टीम नाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गश्त करेगी और लोगों की सुरक्षा को लेकर काम करेगी। साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइन के प्रति भी जागरूक करेगी, ताकि लोग बाढ़ के दौरान कोरोना संक्रमण से बच सके। इस संबंध में आपदा विभाग ने भी सभी डीएम को दिशा निर्देश भेजा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस मोटर बोट और नाव से इलाकों में गश्ती करेगी। एक टीम में 5 पुलिस बल की संख्या होगी, जो कोरोना से बचाव के लिए हर संभव सामग्री लेकर रहेगी। टीम के पास वायरलेस सिस्टम और माइक होगी, जिसके माध्यम से पुलिस की गश्ती टीम लोगों को जागरूक करेगी। वह देर रात में गश्ती करने में परेशानी नहीं होगी। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के प्रवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई है। बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके तक में 2 चक्रवर्ती सिस्टम सक्रिय हो गया है। इस तरह का मौसम को मॉनसून के लिए वेलकम मोड माना जा रहा है। IMD के मुताबिक बिहार में अगले 2 दिन में मॉनसून के प्रवेश करने की पूरी संभावना है। IMD ने बिहार में मॉनसून के प्रवेश की तिथि 12 जून निर्धारित की है। इस तरह बिहार में मॉनसून एकदम सही समय पर प्रवेश कर रहा है। IMD पटना के मुताबिक बिहार में मॉनसून आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद ने लंबे समय के बाद शुक्रवार को अपने परिवार के साथ 74वां जन्मदिन मनाया। चारा घोटाले के आरोप में वे करीब 4.5 साल तक जेल में थे। कुछ दिन पहले ही वे जेल से बाहर आए हैं। उनके जेल से बाहर आने के साथ ही बिहार की राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र कुमार इससे जुड़े सवाल पूछने पर कहते हैं कि 4.5 साल बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर आए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति उनके ही आसपास परिक्रमा करती रही है। उन्होंने आगे कहा कि अब तो वे बाहर आ गए हैं तो सियासत नए सिरे से गर्माएगी ही। राजनीति NDA के सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी का महत्वाकांक्षा को लेकर तेज हो गई है। लालू उनकी महत्वाकांक्षा को सह देने में पीछे नहीं रह सकते हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद रांची जेल में रहते हुए लालू ऐसी कोशिश कर चुके हैं। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। सीएम नीतीश ने अपने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अब योजनाओं पर फोकस करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी लहर के बाद पहली बार जमीन पर उतरकर विकास कार्यों का जायजा लेते नजर आए। सीएम नीतीश ने पटना जंक्शन के इलाके में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन के इलाके में पटना न्यू मार्केट और बकरी बाजार एरिया का निरीक्षण किया। उनके साथ ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। नगर विकास विभाग के अलावा आला अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। सीएम नीतीश ने
पूरे इलाके के डेवलपमेंट को लेकर सरकार की तरफ से तैयार किए गए प्रोजेक्ट पर चर्चा की। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास से निकलकर सबसे पहले जंक्शन स्थित फ्लाईओवर पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने फ्लाईओवर के ऊपर से पूरे इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की और कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए। देश भर के डॉक्टरों के साथ साथ बिहार के डॉक्टर भी 18 जून को 4 घंटे के लिए ओपीडी सेवा बंद करेंगे। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से एलोपैथी के खिलाफ की गई टिप्पणियों के विरोध में डॉक्टरों ने 4 घंटे तक ओपीडी सेवा बंद करने का फैसला किया है। डॉक्टर बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक सभी एलोपैथिक डॉक्टर ओपीडी सेवा नहीं देंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की गुरुवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया है। बिहार IMA के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और सचिव डॉक्टर सुनील कुमार ने संगठन के सभी शाखाओं के अध्यक्षों और सचिवों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। बिहार में कोई भी डॉक्टर 4 घंटे तक ओपीडी सेवा नहीं देगा। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।